नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। अब समय हो चला है दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर रुककर तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर अभी चुनाव हुए तो उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सीटें जीतेगी। वहीं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पद यात्रा अभियान के दौरान शनिवार को बोलते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोला और आरोप लगाया है कि भाजपा ने उन्हें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामलों में जेल में डाल दिया है। अगली खबर की ओर रुककर तो आपको बता दें, दिल्ली सरकार पुरानी कार स्क्रैप करने पर बड़ी छूट देने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस महीने से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर रियायत मिलने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली सरकार ने इसको लेकर जुलाई में मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास प्रस्ताव भेजा था। इस पर एलजी इस महीने फैसला ले सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुककर तो आपको बता दें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपना बकाया वसूल करने की तैयारी कर ली है। बिल्डर और आवंटियों से बकाया वसूली के लिए जीडीए ने 5000 से ज्यादा डिफॉल्टरों को नोटिस भेजा है। वहीं बकाया रुपए जमा नहीं करने पर डिफॉल्टरों के घर पर आवंटियां रद्द कर दी जाएंगी। वहीं वर्तमान में जीडीए का आवंटियों पर 125 करोड़ और बिल्डर पर 114 करोड़ रुपए बकाया है। अगली खबर की ओर रुककर तो आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम के वार्ड कमेटियों की गठन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं। मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने 12 वार्ड कमेटियों के लिए 12 पीठासीन अधिकारी नियुक्त करे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का रुख अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि पार्षदों ने हाईकोर्ट में जाकर कम समय दिए जाने का मुद्दा बनाया था। और आखिरी खबर की ओर रुककर तो आपको बता दें, दिल्ली एम्स के कैंसर सेंटर IRCH में जल्द ही अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, 25 करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाली इस मशीन से कैंसर मरीजों को बेहतर और सटीक इलाज मिल सकेगा। रोबोटिक सर्जरी में 3D तकनीकी का इस्तेमाल होते हुए जिसे शरीर का प्रभावित हिस्सा ज्यादा बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसी दिल्ली NCR की ताजा अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पब्लिक एशिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।